नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल ने उद्धव ठाकरे को धृतराष्ट्र करार दिया, तो इशारों में ही संजय राउत समेत कई नेताओं को दरबारी बताया है। वहीं महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं ले सके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बताया कि वे ट्रैफिक में फंस गए थे, 2 या 3 मिनट की देरी हुई और गेट बंद कर दिए गए। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को उनकी सरकार का असली कलाकार बताया है। इस बीच शिवसेना को तोड़ने के बाद अब बीजेपी का अगला निशाना एनसीपी हो सकती है। तो उधर मराठा संतुलन की भाजपा रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत दादा पाटिल और विधानसभा में अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर दाव इस रणनीति का हिस्सा है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जुमानी जंग जारी है। शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल ने उद्धव ठाकरे को धृतराष्ट्र करार दिया, तो इशारों में ही संजय राउत समेत कई नेताओं को दरबारी भी बताया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम उद्धव ठाकरे से अपील करते हैं कि वे दरबारियों को हटा दे जिन्होंने उन्हें धृतराष्ट्र बना दिया है। हमने आपको छोड़ा नहीं है, बल्कि आपसे दूर कर दिया गया है। यदि 40 लोगों ने आपको छोड़ा है तो फिर साफ है कि आग काफी वक्त से लगी हुई थी, वरना कोई अपने ही घर को यूं नहीं छोड़ता। अब बागी विधायक के बयान पर संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन 4 लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के चलते सत्ता में आए थे और आज बदनाम कर रहे हैं। वो 4 लोग ही शिवसेना के वफादार हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे तो खुद ही फैसले लेते हैं। उद्धव ठाकरे कोई अजनबी नहीं थे, वह बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं। पार्टी छोड़ने वाले बस बहाना चाहते हैं। संजय राउत ने बागियों से कहा, अब तुम पार्टी छोड़ चुके हो, अब अपना काम करो। आने वाले चुनाव में शिवसेना एक बार फिर से अपने 100 विधायक तैयार कर लेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग पार्टी को धोखा देकर गए हैं, उसे जनता ने देखा है और आने वाले चुनाव में शिवसेना के 100 से अधिक विधायक जीतेंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मतदाता चले गए हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने कल बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, लेकिन वो इतिहास में एक अलग तरीके से दर्ज होंगे। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने एक और अग्नि परीक्षा पास करते हुए विधानसभा में भी बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। हालांकि इस दौरान विपक्ष के कई विधायक वोट नहीं डाल पाए, जिनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी शामिल है। अशोक चव्हाण ने बताया कि वे ट्रैफिक में फंस गए थे, 2 या 3 मिनट की देरी हुई और गेट बंद कर दिए गए। अशोक चव्हाण के अलावा जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, उनमें प्रणति शिंदे, जितेश अंतापुरकर, विजय वडेट्टीवार, जिशान सिद्दीकी, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू आवाले, मोहन हंबरदे, शिरीष चौधरी और माधवराव जावलगांवकर शामिल हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि उनमें से कुछ अन्य दलों के संपर्क में हो सकते हैं। विधायकों के इस समूह द्वारा ये व्यवहार बहुत चौंकाने वाला है, ये उनकी लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि महाराष्ट्र के प्रभारी AICC सचिव HK पाटिल ने कहा कि 8 विधायक देर से आए और लॉबी में इंतजार करने लगे, वे बारिश और यातायात में फंस गए होंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वही एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने बताया कि फ्लोर टेस्ट के दौरान सही से तैयारी नहीं की गई, यहां तक कि सदस्यों की उपस्थिति की निगरानी करने वाला भी कोई नहीं था। बांद्रा के विधायक सिद्दीकी ने कहा कि हमने सोचा था कि पहले बहस होगी फिर मतदान होगा, लेकिन मतदान पहले शुरू हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई थी और हमें 11 बजे पहुंचने के लिए कहा गया। ट्रैफिक की वजह से मैं भी देरी से पहुंचा और हम लॉबी में थे। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा खत्म होते ही मुख्य भूमिका से भी पर्दा उठ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को उनकी सरकार का असली कलाकार बताया है। उन्होंने शिवसेना में बगावत की असली वजह भी बताई। उन्होंने विधानसभा को बताया कि विधान परिषद चुनाव के दिन और जिस तरह से मुझसे बर्ताव किया गया, मैंने तभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का फैसला कर लिया था। परिषद के चुनाव में भाजपा ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी अपने नाम की, जबकि कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने असम के गुवाहाटी स्थित होटल में गुजारे हुए दिनों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब सभी विधायक सो रहे होते थे तो वह आधी रात को होटल से निकलते थे और जल्दी सुबह लौट आते थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के असली कलाकार देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र में पिछले एक पखवाड़े की राजनीतिक उथल पुथल की और इशारा करते हुए नए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए, जिसके बाद वो और फडणवीस मंत्रिमंडल के विभागों के आवंटन पर बातचीत करेंगे। अभी हमें ठीक से सांस लेने दे,
हमारे लिए बहुत उथल पुथल वाला समय रहा। मैं और देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे और मंत्रिमंडल के विभागों और उनके आवंटन पर विचार करेंगे। हम भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की सहमति भी इसके लिए लेंगे। शिवसेना को तोड़ने के बाद अब बीजेपी का अगला निशाना एनसीपी हो सकती है। शरद पवार की पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोप ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि शिवसेना के बाद अब एनसीपी में बगावत की बारी है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी को कमजोर किए बिना उसके लिए केंद्र में लोकसभा की सीटों को बढ़ाना और राज्य में फिर से सरकार लाना आसान नहीं होगा। एनसीपी के कई नेता भी मानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रियता बनी रही तो सरकार बदलने के साथ पवार की पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एनसीपी में फूट के लिए बीजेपी के निशाने पर कमजोर कड़ी वे विधायक भी हैं, जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में अगले विधानसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट पर जीत मुश्किल लग रही है। इन विधायकों की संख्या 30 से ज्यादा बताई जा रही है। एनसीपी के दो तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक और नरेंद्र देशमुख महीनों से जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एकनाथ खड़से की कुछ प्रॉपर्टी ईडी ने पहले ही कुर्क कर ली है। कुछ वक्त पहले अजीत पवार और उनके परिवार पर जो छापे पड़े थे वो संकेत था। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अजीत पवार को फिर निशाना बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठा 30% है और नई राजनीति इनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। मराठा राजनीति में ग्राउंड लेवल पर राकांपा सुप्रीमो शरद पवार की दमदार क्षमता का बीजेपी को भान है। इसे ही संतुलित करने के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत दादा पाटिल और विधानसभा में अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर दाव खेला है। तीनों मराठा नेता है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद से फडणवीस की विदाई भी इस योजना का हिस्सा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने शरद पवार और ठाकरे परिवार दोनों की विरासत को सीधे चोट पहुंचाते हुए आगे की रणनीति तय कर दी है। अब उन्हीं के जरिए 2024 के आम चुनावों में मराठों को साधना आगामी योजना का हिस्सा है। भाजपा जानती है कि राकांपा को तोड़ना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर में भी भतीजे अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। शरद पवार के विश्वसनीय लोग फिलहाल सुप्रिया के साथ है। अजीत पवार ने भी पार्टी में अपने भरोसेमंद लोगों का गुट तैयार कर लिया है। पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अजीत पवार की 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 72 घंटे की सरकार ने जो जांच बंद कर दी थी उसके फिर खुलने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नई सरकार बनते ही धनंजय मुंडे की आधी रात में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी किसी नई परेशानी से बचाव के तौर पर देखी जा रही है। माता लीना मणिमेघलाई के खिलाफ यूपी पुलिस ने काली फिल्म पोस्टर के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। तो हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वोट बैंक बढ़ाने का नया मंत्र मिला है। वहीं बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स में कोविड संक्रमित 4 साल के बच्चे की मौत के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। 2 मंत्री भी संक्रमित हुए हैं। तो उधर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पारस अस्पताल से उनकी तस्वीरें और एक भावुक मैसेज पोस्ट किया है। इसी बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगी। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिल्म निर्माता मणिमेघलाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हो गया है। यूपी पुलिस ने काली फिल्म पोस्टर के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। लीना पर पूजा स्थल के खिलाफ अपराध, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और शांति को भंग करने का आरोप लगाया गया है। फिल्म निर्माता लीना मणिमेघलाई के खिलाफ लखनऊ के हरतगंज थाना और गोंडा में एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल लीना ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का एक पोस्टर जारी किया था, उसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। लोगों का आरोप है कि इस पोस्टर के जरिए उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। फिल्म के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लीना मणिमेघलाई को ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर उनके अरेस्ट किए जाने को लेकर ट्रेंड भी चलाया गया। अब उन पर कानूनी मामले दर्ज होने लगे हैं। गोंडा में सत्य संस्था के अध्यक्ष रितेश यादव ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिल्म निर्माता लीना के साथ साथ पूरी यूनिट के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। रितेश यादव ने अपनी शिकायत में फिल्म के पोस्टर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। पोस्टर में एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में त्रिशूल लिए दिखाया गया है।
उत्तर प्रदेश में कभी सवर्णों की पार्टी मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब काफी बदलाव हो चुका है। बीजेपी ने 2014 के बाद से 8 सालों में अपनी इस छवि को काफी व्यापक रूप दे दिया है। अब वह सिर्फ सवर्णों की ही नहीं पिछड़ी और दलितों की भी नुमाइंदगी देने वाली पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक पार्टी की सफलता इसका उदाहरण है, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वोट बैंक बढ़ाने का नया मंत्र मिला है। ये मंत्र मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले पसमांदा मुसलमान को पार्टी से जोड़ने, बीजेपी इसे बड़े मौके के तौर पर देख रही है। पार्टी अगर इस लाइन पर आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करती है तो देश की सियासत के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल 2014 से 2017 तक यूपी के चुनाव पर गौर करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति गैर मुस्लिम मतदाताओं पर ही केंद्रित रखी है। पार्टी अपर कास्ट के पिछले पिछड़ों और दलित वर्ग को जोड़ते हुए हिंदुत्व की राह पर चलते हुए केंद्र और यूपी की सत्ता तक पहुंची। लेकिन इस बार की सफलता में अहम बदलाव शामिल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा की इस जीत में मुस्लिम मतदाताओं का भी योगदान रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ा सुझाव आया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों होम आइसोलेशन में हैं। उधर पटना एम्स में कोविड संक्रमित 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। एम्स पटना कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि जिस बच्चे की मौत हुई है उसे 12 दिन पहले पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। बच्चे को फेफड़े और दिल की समस्या थी, उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और रविवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बच्चे के निधन की सूचना दी। इसके साथ राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,261 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना के बाद भागलपुर में सबसे अधिक 32 मामले थे। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्युत अमृत ने सभी सिविल सर्जनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्थित की सक्षिमा की। सूत्रों ने कहा कि पटना, भागलपुर, बांका और गया को विशेष रूप से सतर्क रहने और अपने जिलों में प्रवृत्ति की जांच करने के लिए कहा गया था। उन्हें आवश्यकता के अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाए रखने को कहा गया। राज्य स्वास्थ्य समाज के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी जिलों को टीकाकरण के साथ साथ परीक्षण में तेजी लाने के लिए कहा गया है। विभाग ने 7 जुलाई को एक मेगा टीकाकरण शिविर की योजना बनाई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पारस अस्पताल से उनकी तस्वीरें और एक भावुक मैसेज पोस्ट किया है। रोहिणी ने अस्पताल में भर्ती लालू की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उनके पापा उनके हीरो है। बता दें कि आज राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन लालू यादव के बीमार होने के कारण कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है, सिर्फ सदस्यता अभियान ही चलाया जाएगा। रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में लालू की तस्वीरें शेयर करते हुए आगे लिखा है, हर बाधाओं से ने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं है जिनकी शक्ति। रोहिणी ने कल भी एक ट्वीट में लिखा था, दुआ करें उनके लिए, गरीबों की आवाज बुलंद किए थे जिनके लिए। पारस अस्पताल में भर्ती लालू यादव की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, हालांकि वे आईसीयू में है। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कुछ दिन और आईसीयू में रखना पड़ सकता है। कई बीमारियों से पीड़ित लालू यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लालू यादव शनिवार की रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में सीढ़ियों से असंतुलित होकर गिर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दाहिने कंधे में माइनर फ्रैक्चर आया है, हालांकि उनका प्लास्टर नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगी। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राजनीतिक दलों के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को इस चुनाव में स्पष्ट बढ़त हासिल है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है और मतदाताओं से अगला उपराष्ट्रपति चुनने को कहता है। उम्मीदवार के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावों को और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक निर्वाचन या तो प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में उम्मीदवार के केवल एक नामांकन पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर सकता है। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। चुनाव के
लिए जमानत राशि 15,000 रुपए। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देने के पात्र होते, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते। इस चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सांसद के दोनों सदनों के 788 सदस्य शामिल होते हैं। गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसोन की खोज के 10 साल बाद एक बार फिर से महामशीन लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर आज स्टार्ट होने जा रही है। तो एक तालिबानी कमांडर ने तो अपनी नवीभाईता को लाने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल कर दिया। वहीं सऊदी अरब ने इस बार 14 भाषाओं में हज गाइड जारी किया है, लेकिन इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया गया। तो उधर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने सभी कमांडरों और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने और राजनेताओं के साथ बातचीत करने से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच चीनी रियल इस्टेट डेवलपर्स पेमेंट के बदले तरबूज ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य कृषि उत्पादकों को भी भुगतान के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसोन की खोज के 10 साल बाद एक बार फिर से महामशीन लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर आज स्टार्ट होने जा रहा है। ये महामशीन प्रोटॉन को तोड़ने का काम करेगी, जिससे अप्रत्याशित ऊर्जा निकलेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रयोग से ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके रहस्य की हमें और जानकारी मिल सकेगी। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर ने करीब 3 साल तक ऑपरेट किए जाने के बाद अप्रैल महीने में इस महाप्रयोग के लिए तैयारी शुरू की थी। यूरोपीय न्यूक्लियर रिसर्च संस्था CERN ने एक बयान जारी करके कहा कि ये मशीन करीब 4 साल के अंतराल के बाद शुरू होने जा रही है और इससे 13.6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलेगी। इस प्रयोग के दौरान प्रोटॉन पर विपरीत दिशा से महामशीन 2 बीम डालेगी। इस दौरान इसकी स्पीड प्रकाश के बराबर होगी। यह बीम एक 27 किलोमीटर लंबे रिंग पर डाला जाएगा, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर धरती से 100 मीटर नीचे बनाया गया है। इस महाटक्कर से निकले परिणामों को रिकॉर्ड किया जाएगा और हजारों की तादाद में वहां मौजूद वैज्ञानिकों के द्वारा विश्लेषित किया जाएगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के अन्य मूलभूत रहस्यों की जांच में किया जाएगा। CERN ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रति सेकंड 1.6 अरब टक्कर कराई जाए। इस नई ऊर्जा की दर से वैज्ञानिक हिग्स बोसोन की और ज़्यादा जाँच कर सकेंगे। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ने सबसे पहले 4 जुलाई 2012 को सबसे पहले इसकी खोज की थी। पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। तब से वहां पर तालिबानी हुकूमत चल रही है। इस हुकूमत ने आम जनता पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही, लेकिन तालिबानी कमांडरों की किस्मत बदल गई है। उसके जो कमांडर पहले गुफाओं में छिपे रहते थे, वो अब शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। एक तालिबानी कमांडर ने तो अपनी नवविवाहिता को लाने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पत्नी को पूर्वी अफगानिस्तान के लोगार से खोस्त प्रांत के लिए रवाना किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। कई अफगानी लोगों ने दावा किया है कि दुल्ला हक्कानी नेटवर्क का कमांडर है, जो खोस्त में रहता है। उसकी शादी लोगार के बरकी बराग जिले में हुई है। वहां के शाह मजार के इलाके में वो सैन्य हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा। इसके बाद उसने दुल्हन के घर के पास के खेत में ही हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया। दावा किया जा रहा है कि कमांडर ने अपने ससुर को 12 लाख अफगानी रुपए दहेज के रूप में दिए। इस वजह से अफगानिस्तान में इस शादी की काफी चर्चा हो रही है। वही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां भूकंप के बाद से हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था भी लगातार चौपट हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तालिबान के उप प्रवक्ताकारी यूसुफ अहमदी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से गलत है। किसी भी कमांडर की ओर से ऐसा कुछ भी किया नहीं किया है। उन्होंने इसे दुश्मनों का दुष्प्रचार बताया है। हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग हज करने सऊदी अरब जाते हैं। 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण लगे प्रतिबंध के बाद इस साल लगभग 10 लाख हज यात्री सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सऊदी अरब ने इस बार 14 भाषाओं में हज गाइड जारी किया है, लेकिन इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर हैरानी इसलिए है कि भारत से बड़ी संख्या में लोग हज करने जाते हैं। विदेशी हज यात्रियों में एक बड़ा प्रतिशत भारत के लोगों का होता है।
फिर भी हज गाइड जारी करते वक्त हिंदी की अनदेखी की गई है। केंद्रीय हज समिति के मुताबिक इस बार 79,237 लोग भारत से हज यात्रा पर जा रहे हैं। इन यात्रियों के लिए 168 विशेष विमानों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न भाषाओं में हज गाइड को हज और उमराह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और लोगों के लिए हज से संबंधित जानकारी को उनकी भाषा में उपलब्ध कराना है, ताकि विदेशी यात्रियों को परेशानी ना हो। हज गाइड में हज यात्रा से जुड़ी जानकारी के अलावा कई प्रासंगिक मुद्दों को कवर किया गया है। यह ई गाइड अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, बंगाली, इंडोनेशियाई, मलय, हौसा, अम्हारिक, फारसी, स्पेनिश, तुर्की, रूसी और सिंहली भाषाओं में उपलब्ध है। ई गाइड में हज से संबंधित जानकारी रोचक और विस्तृत ढंग से दी गई है। ई गाइड को दिलचस्प बनाने के लिए उसमें तस्वीरों और वीडियो को भी शामिल किया गया है। 10,178 पन्नों वाले ई गाइड को जनरल अथॉरिटी फॉर अवकाफ और अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बनाया गया है। पाकिस्तान में सत्ता से जाते जाते इमरान खान ने सेना पर भी निशाना साधा था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने सभी कमांडरों और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने और राजनेताओं के साथ बातचीत से बचने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश इमरान खान के नेतृत्व वाले PTI के सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ प्रचार के मद्देनजर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ISI के कुछ अधिकारियों पर PTI के नुकसान के लिए पंजाब में आगामी उपचुनावों में हेरफेर करने के लिए राजनीतिक इंजीनियरिंग में शामिल होने का आरोप लगाया है। रक्षा सूत्रों ने इन आरोपों पर शोक व्यक्त किया और खुलासा किया कि ISI सेक्टर कमांडर लाहौर, जिसे PTI नेताओं की ओर से बदनाम किया जा रहा है, इस्लामाबाद में अपने कुछ पेशेवर काम की वजह से 2 हफ्ते से अधिक समय में लाहौर में भी नहीं है। PTI नेता और पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद ने हाल ही में सेक्टर कमांडर का नाम लिया और उन पर प्रांत में उपचुनाव कराने के लिए राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक रशीद से पहले पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने भी आरोप लगाया था कि कुछ अदृश्य ताकतें PTI के खिलाफ प्रांत में उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सक्रिय है। हाल ही में PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने ये भी आरोप लगाया था कि उनके कुछ उम्मीदवारों ने उनसे अज्ञात नंबरों से टेलीफोन कॉल रिसीव करने की शिकायत की है। चीन के बाजारों में गहरी मंदी छाई हुई है, जिसका असर वहां के हर व्यापारिक क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। यहां के रियल एस्टेट कारोबार पर मंदी का भयानक असर हुआ है। स्थिति यह है कि चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स पेमेंट के बदले तरबूज ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य कृषि उत्पादों को भी भुगतान के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। चीन के तीसरे और चौथे लेवल के शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने हाल ही में विभिन्न प्रचार अभियान शुरू किए हैं, जिनमें घर खरीदारों को गेहूं और लहसुन के साथ अपने डाउन पेमेंट्स का हिस्सा भुगतान करने की छूट दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में घरों की बिक्री का ग्राफ लगातार 11 महीनों तक घटा है। यदि इस साल मई के आंकड़ों की तुलना बीते साल मई 2021 से करें तो इसमें 31.5% की कमी आई है। चीन में हाउसिंग मार्केट बीते कुछ वर्ष में लगातार गिर रहा है। अर्थव्यवस्था में मंदी, आर्थिक संकट और परियोजना पर निर्माण शुरू होने से पहले सिक्योरिटी जमा कराने जैसे फैसले इसके पीछे मुख्य कारण हैं। पूर्वी शहर नानजिंग में एक रियल एस्टेट डेवलपर ने कहा कि वह स्थानीय किसानों से घर के डाउन पेमेंट के रूप में 1,00,000 युआन तक के तरबूज को स्वीकार करने तैयार है। इसके अलावा होम बिल्डर सेंट्रल चाइना मैनेजमेंट ने मई तक अंत में सोशल मीडिया पर एक ऐड जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि लहसुन के नए सीजन के अवसर पर कंपनी किसानों को क्यूई काउंटी में घर खरीदने पर शानदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत किसान घर की कीमत के बराबर लहसुन देकर अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग कर सकते हैं। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो VKB न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।